वेलकम बैक व्यूअर्स। वहाँ पे कानून साज असेंबली है बाल्तिस्तान गिलगित के इलाके में, वो क्या कर रही है? किस आइन के तहत है? जिस आइन के तहत भी है, एक असेंबली तो वहाँ पे वर्क देखे, कर रही है। वो असेंबली पाकिस्तान की तरफ से मुकरर करदा कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरिया अफेयर्स के मिनिस्टर के चेयरमैनशिप के अंडर में चल रही है, ठीक किसी है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ठीक नहीं है, है। चेयरमैन जिस वक्त चाहे उनको डिसमिस कर सकता है, जिस वक्त चाहे वो अपॉइंट कर सकता है, तो वो किस चीज की ओके। असेंबली? कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, बिफोर हम ब्रेक में गए थे, आप बताइए आप किस तरह ये अपने इस इलाके को, जी किस तरह जी आप जी कह जी रहे हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट, या देखिए, आप मैं इसको इस हदूद में पहले रहना चाह रहे हैं, जी जी हदूद से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है कोई तो होगी ना मैं आपसे ये थिंकिंग। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ जी कि हमारे इलाके को, चूंकि पाकिस्तान के किसी सूबे से कंपेयर करके, वो वैसे भी आपने कहा कि ऐसा नहीं है, हम एक कश्मीर से कंपेयर करके देखें, ये पाकिस्तानियों के नज़दीक ये कौन सी मंतिक है कि हम हिंदुस्तान जाए तो कोई बात नहीं है, आज़ाद हो जाए तो हमें कबूल नहीं है। देखें ना, अब सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से एक का हिस्सा बन सकते हैं ना। मैं पाकिस्तान आप को हिंदुस्तान जाना नहीं चाहते नहीं हैं? चाहते हैं, नहीं, नहीं, हम हिंदुस्तान ऑप्शन नहीं जाना चाहते हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने हिंदुस्तान से लड़ाई की, और आज अच्छा, भी 99 में भी हमारे लोग जो है करगिल में शहीद आपके हुए हैं, आबाओ ज्यादा अजदाद लोग तो शहीद बड़े हुए हैं, लॉयल तो लोग आज थे। भी हम लॉयल हैं, ठीक है, हम अच्छा अपनी धरती से लॉयल हैं, हम गिलगित ठीक और है बल्तिस्तान से लॉयल हैं। ठीक है अगर ये गिलगित और बल्तिस्तान पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बनेगा तो इसी तरह हम पाकिस्तान के लॉयल बनेंगे, ओके अगर पार्ट नहीं बनेगा तो हम ओके। बेगानी नाउ आपकी बेगानी शादी बात में अब अब्दुल्ला क्लियर हो रही, दीवाना। अब आपकी बात क्लियर हुई है बहुत हद अच्छा, तक। एक चीज मैं जी बताता हूँ, जी ये अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं इधर से मोहब्बत की बातें करूं और उधर से उसका रिस्पॉन्स ना आए तो हमें तो ये परेशानी है ना। पाकिस्तान की हुकूमत अगर वो बना सकती है अपना अब आप सूबा या बलूचिस्तान हिस्सा, की जबान, बीएलए वालों की जबान बोल रहे हैं कि नहीं उधर से मैं मोहब्बत ना आए, नहीं नहीं तो देखिए ना, नहीं मैं आपकी बात पे बहुत हद नहीं तक अग्री करती हूँ, लेकिन आप अगर आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बात पे अग्री कर जाए, आप इत्साफ फॉर अ मिनट कमिंग टू यू, नो कंट्री अ सॉवरन स्टेट, इंडिया को ही ले लें, असम हो गया, कश्मीर हो गया, जहाँ पे वो जाति पे जातियाँ किए जा रहे हैं, मतलब मुसलसल फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स, नो सॉवरन स्टेट विल अलाउ और वुड वॉन्ट अ पार्ट ऑफ इट टू ब्रेक अवे या आज़ादी दे दें उसको। देखिए बींग लेट्स बी यू नो आई मीन वी राइट नाउ हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है जी, सही, आप भी अपने आप को पाकिस्तानी पहले कहते होंगे, अब बनाएंगे तो बनाएंगे, तो पाकिस्तानी नहीं आप बनाएंगे तो तो मैं हम तो आपको बनूंगा। कुछ पाकिस्तानी नहीं, समझते हैं, कुछ प्लीज समझने से नहीं बनाएंगे होगा, जी। देखिए समझने से व्हाट नहीं यू आर होगा। सेइंग, इस तरह बाकी भी बहुत से प्रोविंसेस हैं जिनको नहीं दिए वो नहीं गए, दिए गए, मैं देखना बिल्कुल अग्री हुकूमत करती हूँ, यहां लेकिन क्या यहां आप क्या नहीं चाहते हैं नहीं कि एक अब चीज आप है, अलग एक हो चीज जाएं? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नहीं एक चीज है कि हकूक एक अलग बात होती है, जी ठीक है ना, नेशनल आइडेंटिटी एक अलग बात होती ठीक है, है ठीक है ना। आप पाकिस्तान की शहरी है, आप पाकिस्तान की शहरी होते हुए आप भी एक शनाख्ती कार्ड रखती आपके है, पास कौन सा पासपोर्ट मेरे है? पास भी पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है पासपोर्ट भी पाकिस्तान, पाकिस्तान ठीक का है, है, तो मैं और किसका मैं पासपोर्ट ले लो? तो वही ऐसा तो नहीं कह है, रही हूं ऐसा ना, नहीं है, ऐसा मतलब वो यू आर पाकिस्तानी लोग कंसिडर्ड अ ऐसा नहीं पार्ट है, एंड नहीं ना, पार्सल ऑफ पार्ट पाकिस्तान। एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिबानी बातें करने से नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये जिबानी जो है, आप कहेंगे ये भी है वो भी, नहीं ठीक इधर है, से आप चाहते हैं कि इंग्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अब होना चाहिए होना चाहिए, कि, और उसके लिए, बिल्कुल सही, उसके आई लिए, अग्री विद दैट, लेकिन आई उसके लिए अग्री, एक चीज ये है ना, मैं आपसे जी ये गुजारिश जी करता हूँ, ये लंबी बात मैं जो फिराकी करता हूं, तो आप जी समझते होंगे कि जनाब ये क्या कहना चाहता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि उस इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए भी उस मयार पर लाना पड़ेगा जिस मयार पर कम से कम आपने 47 में आजाद कश्मीर लेके गए हैं, आज तो छोड़ दे, ठीक ठीक है है ना, फिर ये बात होगी, वरना क्या होगा, पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वहां से प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब या प्राइम जो मिनिस्टर, भी अब वो होगा। गिलानी हाँ साहब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर ला सकेंगे? ऐसा है आप बताइए ना, हम नहीं है, मुझे तो नहीं नहीं है, नहीं है बताइए ना, ऐसा नहीं कर ऐसा सकते। है कि फिर तो नहीं है। श्रीनगर भी आएगा, फिर तो मुजफ्फराबाद सब कल अपना हिस्सा बनाकर फारिग हो जाए, फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? 60 साल से किस बात की इंतजार हो रही है, जब आप बना आप सकते बताए हैं ना तो, किस ठीक बात है की ना, हो रही है, इस बात की इंतजार हो क्यों रही है? वेट कर रही है पाकिस्तान की मुख्तलिफ नहीं, ये देखे ना, हकूमतें ये किस चीज तो की? मैं वो बताता हूँ आपको, कश्मीर लेने देखिए के, ये पाकिस्तान